सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कल रात को हम इधर रुके थे इस वाले टेंट में और सबके सब हम साथ ही में थे। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं उठ जाऊंगा, करते हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट, चलते हैं फिर पनार की। तो गाइस अभी हम नाश्ता कर रहे हैं इधर पे। गाइस तो कोई है नहीं अभी, अभी मेरी यूट्यूब आईडी भी नहीं है। गाइस ये बहुत टेस्टी हो रहा है। गाइस बड़ी ने मेरी टेस्टी करी है, टेस्टी हो रहा है। चलो चुप रह आई तुम, बैठो ले सुन करी। तो अभी यहाँ दादाजी बना रहे परांठे, हमने ये सिखाए। दादाजी हेलो, बहुत अच्छे परांठे थे, बहुत ज्यादा टेस्टी। भैया हेलो, भैया तो अगर कोई यात्री आएगा तो यहाँ पे खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना था, रात का भी और नाश्ते का भी बहुत अच्छा था। तो अभी हम निकलते हैं, बाय। ऐसे बोलो हमारे उस होटल में आना, कोई आएगा तो खाना मिलेगा, बहुत ज्यादा टेस्टी। आना, इधर रहने का भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी ठीक है, निकलते हैं हमें, बाय। ये देखो जैसे गांव में नहीं होता ओबरा, वैसे यहाँ चूल्हे की रोटियां, चूल्हे के पराठे। यहाँ आए तो हमारे दिलदार अंकल से जरूर। तो निकलते हैं हम भी ऊपर के लिए। भैया लोग अभी पराठे पैक कर रहे हैं और हम धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि हमको चलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो भैया लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो गाइस अभी हमने चेक इन कर लिया है, अब जा रहे हैं ऊपर के रास्ते। और ये है क्यूटी बुग्याल जहाँ हम रुके थे कल। और अब बाय बाय बोल के हम जाएंगे आगे रुद्रनाथ। तो गाइस अभी चेक इन वगैरह कर लिया है, अब जाने के लिए रेडी है। उधर अभी सामान वगैरह पैक करवा रहे हो खाने के लिए, और इधर से जाएंगे अभी ऊपर। बाकी अभी थे हम क्यूटी बुग्याल में, और अभी यहाँ थोड़ा कोहरा छा गया, इससे पहले यहाँ बहुत सही व्यू आ रहा था। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं अभी इधर धार में। दोस्तों मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का अंकित भाई के ब्लॉग में। आपकी प्यारी भुल्ली करनी भंडारी। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से, और अभी हम पहुँच चुके हैं, दिखाओ भाई। और तो गाइस ये कुछ है सब व्यू बुग्याल का, और ये मेरे भाई बहन। तो गाइस अभी हम हिमालय के मनोरम बुग्यालों में हैं। एकदम मस्त व्यू। तो गाइस अभी हम मस्त करके बुग्यालों में पड़े हुए हैं, और खूबसूरत वादियों के काफी वो देखो गाइस नजारे ले रहे एकदम। आप कीजिए आंखों से आंसू आ रहे हैं गाइस, इधर जगह नहीं हो रही है, कोई मोटा है हमारे साथ। तो गाइस यहाँ पे देखो आप, क्या मस्त मस्त फूल है, एकदम वैली ऑफ फ्लावर के जैसे। और ये अपने भाई लोग, और पूरा बुग्याल यार एकदम मस्त भाई, इधर आके मजा आया। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पितृधार, और इधर सब अपने बुजुर्गों के लिए बनाते हैं भाई ये पत्थरों की चिनाई करके अपने पितरों के लिए। और हालत खराब होगी भाई चल चल के। चले जा, और ये आ गए अपने भाई लोग। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ देवभूमि उत्तराखंड में, स्थित एक मंदिर है रुद्रनाथ के थोड़ा पीछे, 5 किलोमीटर पीछे लगभग पितृधार में। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पितरों के मंदिर बने हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ जो अपने पितृदेव है उनको मतलब पूजा जाता है। बने रहिए, अभी बाकी बहुत साफ बोल रही है, बने रहिए, दिखाते हैं आप सभी लोगों को। चलो तो गाइस यहाँ पे सब पोलो खा रहे हैं,
फॉलो फैन है। गाइस कहाँ है सब अमन सिंह गाइस कहाँ है गाइस नहीं है कि बैठे जमानु घोड़ा देने घोड़ा पोलो खा रहे हम वो पोलो के चूरे चूरे पूरे भी खा रहे हैं खत्म चूरो खाएं मैम ने हमें दिए काजू बादाम चलो मेरे मन था ताकि डाल एक दो का डाल क्या श्री गिर गया वहाँ खत्म हो गया था चूरे बुरे जिसमें कि सबसे ज्यादा मसाले हैं अकेले अकेले भाई मेरे को भी दे दे थोड़ा सा तो सतिंदर भाई ने ली इनकी फोटो अभी बोलो कुछ उत्तराखंड बहुत सुंदर है पर बहुत फिटनेस चाहिए सच्चा प्यार उत्तराखंड आओ तो फिटनेस से आ जाओ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव तो अभी आ गए हम पितृ घाट से आगे और इधर देखो बुग्याल एक नंबर यार और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर आना एक बार रुद्रनाथ और बस इधर पैदल चलने के लिए थोड़ा ज़्यादा आओगे तो 6-7 बंदे आना साथ में एक साथ ग्रुप अपना पूरा बाकी अब सीधा मंदिर जाके ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि बैटरी कम है फ़ोन में और पावर बैंक भी पूरा डेड हो गया मेरा तो सीधा मंदिर जाके मिलते हैं तो इधर ऐसा लग रहा अभी जैसे हम फूलों की घाटी में हूँ हम आ गए हैं मनोरमा बुग्याल में मनोरमा बुग्याल हर हर महादेव हर हर महादेव चारों तरफ फूली फूल है इस बुग्याल में तो गाइस व्यू चेक करो यार क्या मस्त फूली फूल है यार इधर एकदम मस्त गांव में होता तो शायद ऐसा कम देखने को मिलता यहाँ के बहुत बढ़िया किया गाइस फाइनली वी आर इन द रुद्रनाथ वैली और देखो गाइस क्या मस्त जगह है यार अरे हमारे भाई लोग तो दोस्तों ये है अपना रुद्रनाथ का पानी और ये बर्फ के माफिक ठंडा है ना ठंडा एकदम चिल्ड पानी चिल्ड पानी भाई कंचा मृत के समान अमृत है ये अमृत शुद्ध एकदम शुद्ध पेयजल और ये अपना रुद्रनाथ से व्यू और भाई कौन लाया इतनी दूर सामान इतना उसकी भी भाई मानने वाली बात है और ये यहाँ पे कुंड तो दोस्तों ये है नारद कुंड और इसके पानी का यूज़ यहाँ प्रसाद वगैरह बनाने में किया जाता है और ये पानी बहुत ज़्यादा पवित्र है इधर का और ये हमारा रुद्रनाथ ये इसमें ना जाए क्योंकि इसका प्रयोग क्या है जो भगवान जी का भोग होता है प्रसाद होता है उसको बनाने में किया जाता है तो इसको वहाँ जाके गंदा ना करें यहाँ कुछ भी गंदा ना करें ठीक है बाकी जो चीज़ें आप लाते हैं ठीक इधर भी प्लास्टिक फेंका है जो भी सामान आप ला रहे हैं अपने साथ पन्नी में खाएं पिए कोई दिक्कत नहीं है और वापस ये देखिए यहाँ पे कूड़ा गिरा है तो दोस्तों वहाँ नीचे एक ताल उसका नाम नहीं हमें पता और इधर यहाँ के लोकल लोगों के घोड़े वगैरह चल रहे बुग्यालों में और बाकी इधर एकदम मस्त नेचर है भाई फूल वगैरह एकदम मस्त पूरा भाई स्वर्ग है ये तो दोस्तों यहाँ के मौसम का क्या कहना हर 5 मिनट में बारिश रुक रही है 5 मिनट बाद लग रही है और व्यू देख सकते हो आप एक नंबर वाला भाई व्यू ही व्यू दिखाऊंगा खाली और कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास बाकी यार बारिश का सीन है इधर बस आओगे तो रेनकोट वगैरह लेके आना इधर तो यार ये अपना रुद्रनाथ मंदिर कुछ इतनी ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा हाइट पे यार ये और बाकी दिखाता हूँ आपको अंदर का व्यू
और ये इधर रिश्ते वगैरह है शायद। गाइस यार आ गए मंदिर से और मंदिर में फोन वगैरह अलाउड था नहीं तो वीडियो वगैरह बना नहीं पाए और थोड़ा यार होता है ना मंदिर में फोन वगैरह ब्लॉग ना फोटो खींचे ना ब्लॉग बना। बस हम जा रहे हैं अभी शायद आरती के टाइम आएंगे हम सीधा इधर और आज बोल रहे हैं कि इधर ही रुकना है हमें। बाकी अभी थोड़ा कोहरा वगैरह साफ हो गया है और व्यू देखो और अच्छा आने लग गया। अब भाई फोटो खींचेंगे से समथिंग अबाउट उत्तराखंड the nature but it was a wonderful place especially here because look the landscape yes yes very like heaven it's like heaven yes and the yes. walk is very nice. It will be difficult no one selfie please France. Come especially here for the darshan yes. And I am happy because I arrived just 15 minutes before so it's okay. Very easy single तो नाइस टू मीट यू मैम बाय 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 थैंक यू लव फ्रॉम उत्तराखंड। और दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी बिल्कुल आसमान साफ हो चुका है और देख लो पूरा साफ हो रखा है कोहरा वगैरह। थोड़ी 5 मिनट में यह मौसम बदल रहा है भाई तो कभी आओ तो यार अपने साथ छाता वगैरह और लट्ठे अपने टेकने के लिए और रेनकोट वगैरह पूरा सामान लेके आना अपने साथ खाने पीने का। बाकी हम तो यार इधर ही के हम तो गढ़वाली हैं हमें इधर चलने की आदत है वैसे भी और फिर भी हमको दो दिन तो लगी गए यार आने में थोड़े दूर से आए ना हम। बाकी नेचर का व्यू चेक करो दोस्तों अभी हम रुद्रनाथ में और दर्शन वगैरह कर लिए हैं और यहाँ पे अभी खाने की तैयारी चल रही है अभी बस वही स्टार्ट और आप कुछ कहना चाहेंगे चाय पी लो गाइस गई है ठंड से सबके कपड़े भीग गए हैं ठंड से कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए और इसमें पराठे नाश्ता तो अभी यहाँ पे खाना चल रहा है गाइस सारे पराठों पे ऐसे दुबक रहे की सब खाना पेल रहे दबा के। अच्छा अच्छा नहीं बहुत अच्छा ट्रैक है पर बहुत डिफिकल्ट है और ये बहुत रिलीजियस प्लेस है जी, आपको आना हो तो बहुत आपकी श्रद्धा चाहिए आने के लिए। और नेचर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नेचर के बारे में तो कुछ बताना ही क्या है सब कुछ दिख रहा है हिमालय की सब इंडिया बाकी पानी वगैरह सब है और सब लोग यहाँ के लोग सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू अंकल। और बाबा कहाँ से हो आप? मैं काशी बनारस। काशी बनारस यूपी सुंदरबन यूपी छाछर। अच्छा जा रहा था बद्रीनाथ। अच्छा तो मैं सोचा रुद्रनाथ भी चलूं। पंचर हो रही है यार बहुत दूर है मैं तो जानता नहीं आता इतना दूर हो गए केदारनाथ बुलाओ आ रखा था बाबा यहाँ का बुलाओ आ रखा था। अरे यार भोला भगवान तो हर जगह है। 3 बजे नहीं खुलेगा ना 3 इतना देर में कपड़ा मिल जाएगा यूपी ना कपड़ा मिल जाते हैं लोग यहाँ चले ना वहाँ जाना मैंने कपड़ा मिला है ऐसे भी पकड़ रहा हूँ मैंने क्या दर्शन देखे हाँ क्या बात है चलो चल गई What a view, guys. अभी जा रहे हैं हम सरस्वती ताल और वहाँ पे मंदिर में वीडियो वगैरह बनाने के लिए मना है। तो गाइज अभी जा रहे हैं हम सरस्वती ताल और मैं पीछे छूट गया था बाकी चले गए आगे ज्यादा नहीं यहाँ से 100-200 मीटर दूर होगा वहीं चल के मिलते हैं आपको। बाकी बारिश स्टार्ट हो गई दोबारा से हल्की हल्की तो ये है सरस्वती ताल पीछे फोटो खींचे भाई लोग और भाई का छाता उल्टा
तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम सरस्वती कुंड से वापस अपने निवास स्थान पे। कोई जल्दी मिलते हैं आपको ब्लॉग में। बहुत ज्यादा हवा हो रही है दोस्तों। बोली फोन पकड़ा पैसे चेक कर लिया ब्रो। गाइस तो अभी हमको मिल गया है रात का खाना जो कि भंडारे से मिला है, दाल भात। और ये हमारी पार्टी है पूरी, हमारी गैंग, हमारे मम्मीज, हमारे कजन। मिलते हैं खाना खाके। स्टार्ट है। मैंने बोरे बिस्तर बांध के चल रहे हैं सोने के लिए। ठीक है गाइस पाँच साढ़े पाँच बजे ठीक है गाइस, चलते हैं हम अभी खाना पीना खा के अभी सोने। भाई ये कह रही मैं गाइस, ये कंबल 200 रुपए पर पर्सन है। एक लड़की वाले कमरे में रखना अलग, ठीक है? तो अगर कोई आए तो लेना पड़ता है, अगर आश्रम में मतलब सॉरी धर्मशाला में कोई तो तब लेना पड़ता है, और बाकी अगर ढाबे में रुकता है कोई तो फिर वहीं से वो है, उधर ही से होगा। ठीक है फिर। तो दोस्तों ये हमारा ग्रुप और खाना कहीं ना खा के जा रहे हैं सोने के लिए। 200 रुपए कम्बल और यार ये ब्लॉगर ये बेचने के लिए आ रही है। चलो फिर तो अभी सुबह उठ गए हैं और सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मेरे जूते पूरे भीग गए हैं पूरे भीग गए हैं और ये भी चेंज कर रहे इधर। तो अभी जाते हुए हम सब रुद्रनाथ से वापस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। रुद्रनाथ के दर्शन करके जा रहे हम अपने घर की ओर और बारिश लगी हुई है तो अपनी इस जर्नी के बाद जो हम थे वो हम हैं नहीं और जो हम हैं वो हम रहेंगे नहीं। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।